मोर हिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स। खबर, एडवोकेट आदित्य ने अदालत से नंगे यात्रा करने की मांग की है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सुल्तानगंज नंगे केस कांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार मिस्टर आदित्य ने अदालत से इस नंगे यात्रा को पूरा करने की मांग की है। इस बात को लेकर आम आदमी में काफी नाराजगी दिखी। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला आयोग और कुछ समाज सेवी संस्थान ने अपना करारा रुख अपनाते हुए न्यायपालिका से उसे दंडित करने की मांग की है। पर इस घटना के बाद एक आम आदमी से लेकर पुलिस प्रशासन तक सकते में आ गई है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकता है? या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या एक सोचा समझा प्लान। अब देखना ये है अदालत अपना फैसला क्या सुनाती है। हम इस बारे में फिर से बात करेंगे लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सक्यूज मी सर, सर सर प्लीज सर, आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं? जी सर। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप नंगे यात्रा करने की बात कर रहे हैं इससे समाज में असभ्यता नहीं बढ़ेगी? जी बिल्कुल नहीं। सर आपको लगता है आप अपना केस जीत पाएंगे? जी मुझे अपने आप में विश्वास है। सर आपको हारने का डर नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं, हारने का सवाल ही पैदा नहीं। अरे आप, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप एक क्वेश्चन पूछने के लिए बोले और बार बार क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। प्लीज हम लोग थोड़ा जल्दी में जाने दीजिए। सर सुनिए तो, सर प्लीज, सर प्लीज सुनिए तो। येलो आ गए नागा बाबा। वो अगले केस की तैयारी करनी है, वो कागजात रेडी रखना, ठीक है? Thank you.
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। आज का यह मुकदमा किसी व्यक्ति विशेष के झगड़े के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे मिस्टर आदित्य के खिलाफ है, जो पेशे से खुद एक वकील हैं। माय लॉर्ड, हम उस देश के निवासी हैं जहां पर पब्लिक प्लेस पर एक सिगरेट पीना भी कानूनी जुर्म है। जनाब, यह है हमारे देश का संस्कार और सामाजिक व्यवस्था को चलाने के तौर तरीके। मिस्टर आदित्य ने इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए विगत शनिवार को तमाम लोगों की भीड़ के बीच में देखते ही देखते एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए और नंगे हो गए। यह बहुत ही घिनौनी हरकत थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की और पुलिस प्रशासन ने कड़ी हिदायत देते हुए इन्हें दोबारा ऐसी गलती करने से सख्त मना किया। इसके बावजूद भी मिस्टर आदित्य ने अदालत के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि उन्हें ऐसी गलती दोबारा करने की अनुमति मिले। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि ऐसी घिनौनी हरकत के लिए मिस्टर आदित्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ना कि इन्हें ऐसी घटिया हरकत करने की इजाजत दी जाए, ताकि ऐसे बेवकूफ लोगों को एक सबक मिल सके और आगे से कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर आदित्य, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य, आदित्य, यस यस माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि आपकी मना स्थिति ठीक नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, आज तक आपने कोई भी केस नहीं जीता। कम से कम आप अपने बारे में ऐसा कोई रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर आदित्य, आप चाहे तो अपने सहयोगी मित्र से अपना पैरवी करवा सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जिस तरीके से मेरे काबिल दोस्त ने मेरी तारीफ करते हुए मुझे जिन जिन शब्दों से नवाजा, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। माय लॉर्ड, जीवन के सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक मुश्किल यह भी है कि हम जीवन के सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं देख पाते। एक देखने की कोशिश करते हैं तो दूसरा अनछुआ रह जाता है। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा, वो सिक्के के एक पहलू है, दूसरा पहलू कुछ और ही बात कहती है। माय लॉर्ड, हम सब उस देश के वासी हैं जहां आज भी एक लड़का या लड़की की नंगी तस्वीर पब्लिक में आती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो जिंदगी से ज्यादा इज्जत को अहमियत देता है। इन सारी बातों को जानने के बावजूद मुझे ऐसी हरकत करनी पड़ी। मैं जानता था माय लॉर्ड कि मेरी नंगी तस्वीरें खींची जाएगी, वीडियो बनाए जाएंगे और उसका खिलौना बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल साइट पे खेले जाएंगे। माय लॉर्ड, कभी कभी मरने से भी ज्यादा जहर जीने के लिए पीना पड़ता है। मुझे मेरी जिंदगी ने एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। माय लॉर्ड, Thank you.
आज तो बड़ा खुश नजर आ रही हो तुम, क्या बात है? तुम फिर भूल गए ना? क्या आज तारीख कौन सी है? 4 अक्टूबर। क्या हुआ? आज मेरा जन्मदिन है आदित्य, तुम फिर से भूल गए। तुम्हें मेरा जन्मदिन कभी याद नहीं रहता। हाँ मैं भूल गया, लेकिन थोड़ा सा याद था, इसलिए मैं छोटा सा केक लेकर आया हूँ। सच्ची? सच्ची। चलो हम लोग केक काटते हैं। जन्मदिन मुबारक हो सोना। थैंक यू सो मच। तुम तो जानती हो सोना कि अभी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। मैं कुछ खास नहीं कर पाया तुम्हारे लिए, बस एक छोटा सा केक। लेकिन हाँ, जब भी अच्छे दिन आए तो हम लोग धूमधाम से पार्टी करेंगे। तुम मेरे साथ हो ना, बस बहुत है मेरे लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार। वाह। हाँ क्या बात है भाभी जान। रेहान खुदा करे आप लोग की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी जान। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, कबूल करिए। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भाभी जान। केक बहुत टेस्टी है भाभी जान। मैं क्या, मेरे मन में एक सवाल आया है। क्या? कि आप की कोई कुंवारी बहन है क्या? क्यों? वो मैं इसलिए पूछ रहा था भाभी जान कि मैं सोच रहा था कि क्यों इसलिए सोच रहा था कि नहीं भाभी जान, मैं बात को क्यों घुमा रहा हूँ कि आप लोग का ना मतलब प्यार देख के भाभी जान मेरा भी निकाह करा दीजिए ना उससे। रेहान। हाँ रेहान। हाँ उसे भूल कर भी शादी मत करना। क्यों? एक नंबर के घुसैल नागिन की तरफ फोन उठाकर दौड़ती है। भाभी जान नागिन बोला, नागिन बोला, नागिन बोला आपकी बहन को। अरे 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 अरे
टैंटन, गरम गरम नाश्ता तैयार है। क्या बात है, आज कुछ नया डिश? आज टीवी पे प्रोग्राम देखकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, बहुत प्यार से, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या बात है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। सच्ची? सच्ची। सच्ची का अच्छा बना है? हाँ बढ़िया है। सच्ची? हाँ। क्या खाक अच्छा बनाया आदित्य, इतना बेकार बनाया और नमक भी कितना ज्यादा है, तुम फिर भी खाए जा रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो? जब खाना अच्छा नहीं बनता है तो बोल देना चाहिए ना, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। सोना, तुमने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया है ना, प्यार से बनाई हुई कोई चीज बेकार नहीं होती। आदित्य तुम भी ना। कभी न हमसे जुदा, हर पल यही मैं मांगू दुआ, आंखों में चाहत दिल में वफा, तेरे लिए रहेगी सदा, तू मेरी राधा मैं तेरा किशन, तू मेरी राधा मैं तेरा किशन, oh।
मन्नत रब से जो मांगी थी है तू वो मन्नत। तू फूल है मैं हूँ तेरा चमन, तू फूल है मैं हूँ तेरा चमन। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, जन्म हो अपना मिलन यो सातों जन्म। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, मेरे सनम, ओ 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 मेरे सनम। भाभी जान, अरे भाभी जान, भूख चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, खाना जल्दी लेकर आइए, कोर्ट के लिए भी लेट हो रहा है। आई रेहान। चल रेहान। अभी तेरा घोड़ा यहाँ पे किसे चला आया? अबे यहीं पे था। झूठ मत बोल तू, समझा, झूठ मत बोल। पहले तेरा घोड़ा यहाँ पे था, मतलब तू ढाई फल की जगह तू चार फल चला दिया क्या? अबे ये मत बोलना कि दौड़ाकर लेकर वहां पे बैठा दिया। हाँ हाँ, तू यही करता ही है, जब तू हारता है ना तब यही करता है। मैंने ये नहीं किया, घोड़ा वहीं पे था, पहले से था वहां पे घोड़ा। तू 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 घोड़ा वापस ले। नहीं नहीं, घोड़ा वापस नहीं लेंगे, वहीं पे था वहीं पे रहेगा। नहीं नहीं, तू वापस ले, चीटर कहीं का। अबे कब मैंने चीटिंग किया ये बता, कब मैंने चीटिंग किया? बार बार हारने के डर से ना हमेशा चीटिंग करता है तू मुझसे, हमेशा। मुझे बता, आज नहीं हारा लेकिन तीन चार दिन पहले तो तू हारा था ना, जब देखो तू हारता ही रहता। पीछा नहीं लूंगा, घोड़ा वहीं पे था वहीं पे रहेगा। मैंने चीटिंग कब किया? घोड़ा पहले से था वहां पे। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देख रहे भाभी जान क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। घोड़ा ढाई पल चलता है और ये इधर उधर घुमा के चार पल चला दिया, बताइए। अरे हद हो गई, घोड़ा वहीं पे पहले से था और बोल रहे हो कि मैंने चला दिया। भाभी जान देखो, रेहान तुम सही बोल रहे हो, चीटिंग ना यही कर सकते। हाँ यस भाभी जान, तुमने देखा नहीं समझा नहीं और गलत मैं कर सकता हूँ। बात सही गलत की नहीं है, जहाँ रेहान वहाँ मैं। हद हो गई यार ये तो। थैंक यू भाभी जान। भाभी जान, मैं ना मतलब एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बोलो ना भाभी जान। आप लोग तो जानती हैं, वैसे तो मेरा इस शहर में कोई है नहीं, मतलब जब भी आप लोग के घर पे आता हूं ना तो मेरी सारी कमी पूरी हो जाती है, माँ भी नहीं है। हमेशा मैंने सुना है ना भाभी जान, जो भाभी होती है वो माँ के समान होती है। अल्लाह का सब खा के बोल रहा हूँ भाभी जान, जब भी आपका चेहरा देखता हूँ ना उसमें माँ का चेहरा नजर आता। रेहान, पागल हो क्या? बाजू वाली आंटी है ना, वो बोल रही थी उनकी भतीजी को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कलकत्ता जाकर डॉक्टर से इलाज कराया, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं सोच रही थी कि हम भी एक बार चले क्या कलकत्ता, उसी डॉक्टर से इलाज कराने। ठीक है, तुम कहती हो तो चल के दिखा लेंगे। ऐसे भी
लोगों ने जहाँ जहाँ कहा हम लोगों ने वहाँ वहाँ दिखाया, यहाँ भी पटना के बहुत सारे डॉक्टरों से, दिल्ली और न जाने कहाँ कहाँ। थोड़ा पैसे का दिक्कत है, कुछ दिनों के बाद हम लोग चल के दिखा लेंगे, लेकिन तुम इन सारी बातों पे ध्यान मत दिया करो। बच्चे नहीं हैं तो हो जाएंगे। चलो सो जाते हैं। सुना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, फिर भी वो खुश है ना। अरे सोनम, अरे मौसी जी आप। प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ पे कैसे? अरे मुन्नी बेटी का रिपोर्ट लेने आई थी, तुम यहाँ कैसे? ठीक हो ना? मैं बस डॉक्टर से मिलने आई थी। सब ठीक है ना? जी मौसी जी, बैठिए ना। हाँ आओ आओ बैठो, आओ आओ। कैसा है मेरा बेटा आदित्य, कैसा है? वो ठीक है मौसी जी, आप बताइए गाँव घर के लोग कैसे है? सब ठीक है बेटा, तुम बताओ आदित्य कुछ कर रहा है या अभी भी? बस कुछ खास नहीं, वैसे ही चल रहा है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सहयोग तो नहीं कर पा रही हूँ, बस सिलाई बुनाई से जो आ जाता है बस वही। और आपको तो पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, घर का रेंट भरना होता है, बिजली का बिल, सब कुछ वही संभालते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। समझ सकती हूँ बेटा। और वैसे हमें बच्चे भी तो नहीं हो रहे ना, उसका दवा दारू का खर्चा अलग। तुम्हारी वो सहेली, तुम्हारे साथ ही तो शादी हुई थी कुछ दिन आगे पीछे, दो दो बच्चे हैं उसके आज के डेट में, और एक तुम लोग हो, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हो। 7 साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर अब तक पता है गांव में लोग बातें बनाते हैं, सुनना हमें पड़ता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब से तुम आई हो आदित्य की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब शगुन समझते हैं तुम्हें, अब किसी शादी ब्याह में बुलाने से पहले परहेज करते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहती तुम्हारा, बांझ बोलते हैं तुम्हें। मौसी हम इलाज भी तो करा रहे हैं ना। सिर्फ इलाज से कुछ नहीं होता, थोड़ा पूजा पाठ भी किया करो। मौसी मैं बहुत पूजा करती हूँ, और मैंने तो मन्नत भी मांगी है कि अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो। हाँ अब मन्नत से एक बात याद आई मुझे, तुम्हारी सासू माँ आदित्य की माँ, उनको भी यही समस्या थी, बहुत सालों तक उन्हें बाल बच्चे नहीं हुए, इलाज भी करवाया तुम्हारी ही तरह, बहुत बड़ी भक्ति वो भगवान शिव की, फिर उसने एक दिन भगवान शिव से एक मन्नत मांगी कि जब उसकी गोद भरेगी वो अपने बच्चे को निर्वस्त सुल्तानगंज से देवघर तक लेके जाएगी, वो भी खाली पैर। लेकिन भगवान की लीला देखो, कुछ दिन बाद ही चल बसी, और उसके पीछे तुम्हारे ससुर जी भी ना रहे, उस बाबली की मन्नत पूरी ही ना हो सकी। पता नहीं क्यों मन में संकोच सा आ रहा है, कहीं तुम्हारी ये सारी समस्याएं उस मन्नत के ना पूरी होने की वजह से तो नहीं। आजकल की पीढ़ी हो, हंसी आएगी हो सकता है मेरी बातों पर। खैर देख लो, मैं अभी कुछ दिन बाद जाऊंगी गांव, वापस आती हूँ तो तुमसे मिलती हूँ, ख्याल रखना अपना। जब से तुम आई हो आदित्य की जिंदगी में कुछ
कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। लोग अब शगुन समझते हैं तुम्हें, अब किसी शादी ब्याह में बुलाने से पहले परहेज करते हैं। दिल नहीं दुखाना चाहती तुम्हारा, बांझ बोलते हैं तुम्हें। जब से तुम आई हो आदित्य की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। आप कितने बजे तक फ्री हैं? वैसा कुछ टाइम का इशू नहीं है, तुम आ जाओ तो तुमको उस क्लाइंट से मिला दूंगा। हाँ, लेकिन मेरा कमीशन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक है ठीक है। जानती हो सोना, आज एक नया क्लाइंट मिला, उससे हम लोगों को कुछ पैसे आ जाएंगे तो हम लोग चलेंगे इलाज करो। क्या हुआ? थोड़ा जल गया। एकदम तुम लापरवाह, अपना ख्याल ही नहीं रखती, अभी तक दवा नहीं लगाई। चलो बैठो। तुम्हें दवा लगा लेना चाहिए था ना, यहीं पे रखा हुआ था। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। सोना तुम अपना ख्याल रखा, अब क्या हुआ? कट गया। कर क्या रही थी तुम? एक हाथ कट गया, दूसरा जल गया, क्या बात है सोना? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो हुआ है, बोलो ना क्या बात है। आदि, क्या मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूँ? क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो तुम? क्या मेरे आने से तुम्हारी लाइफ की दिक्कतें और बढ़ गई है? चुप। तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तोहफा हो जो भगवान ने मुझे दिया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी जीने का एक मतलब सा नजर आने लगा है। तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। और एक क्या बैड लक वगैरह बोल रही हो, तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। और एक क्या अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, चलो बैठो खाना खाओ, चलो बैठो। अपना ध्यान भी नहीं रखती हो। ऐसे फालतू के बकवास तुम्हारे मन में आते कहां से? आदि एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मानोगे? हाँ मानूंगा ना। मना तो नहीं करोगे ना? नहीं बाबा, बोलो ना। आदि वो तुम लड्डू खाओ ना, तुम्हारे लिए। पानी पियोगे? सोना बोलो ना, क्या बात है, बोलो ना।
बोलो ना। वो आदि, हम सुल्तानगंज से देवगढ़ शंकर भगवान के दर्शन के लिए पैदल जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं ना, इसमें क्या है, जाते ही हैं लोग, जाना भी चाहिए। कुछ दिन रुक जाओ, मैं पैसे के इंतजाम कर लेता हूँ, तो फिर चलते हैं। अब क्या हुआ, बोल दिया ना चलेंगे। एक और बात है। क्या? कपड़ों का चल सकते हो? हाँ जा सकते हैं। क्या बोली तुम, बिना कपड़ों के नंगा? बक पागल हो गई हो, कोई बिना कपड़े के जाता है क्या? आदि, आज मौसी जी हॉस्पिटल में मिली थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूं। वो तो ठीक है, माने ये मन्नत बचपन के लिए मांगा था और आज मैं 30 साल का हो गया। अगर मैं सुल्तानगंज से देवघर बिना कपड़ों के पैदल गया ना, तो लोग मुझे पागल समझेंगे, बच्चे ढेला मारेंगे और ये गली के आवारा कुत्ते भौंकने को दौड़ेंगे। ऐसे भगवान को जो अच्छा लग रहा है वो कर ही रहे हैं ना। ठीक है तुम ही बताओ, हम लोग मन्नत में करते क्या है? भगवान को डोनेशन देते हैं और कहते हैं हे भगवान, ऐसा करते तो मैं आपके लिए वैसा करता, आप वैसा करते तो मैं आपके लिए ऐसा करता, ऐसा करते तो अच्छा होता, वैसा करते तो अच्छा होता, ऐसा करते तो ठीक रहता। हम लोग भगवान को सलाह देते हैं, मानो उनकी कोई अपनी समझ ही ना हो। सोना, ये मन्नत उन्नत बेकार की बातों पे तुम ध्यान मत दिया करो। अच्छा सुनो, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने चलते हैं, ठीक है? माय लॉर्ड, मैं इसी मन्नत को पूरा करने के लिए सुल्तानगंज गया हुआ था। वहां के पुलिस प्रशासन को लाख कहने के बावजूद भी मेरी एक न सुनी और मुझे यात्रा करने से रोक दिया गया। मेरा इरादा सिर्फ मन्नत पूरा करना था माय लॉर्ड, न कि किसी सामाजिक और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना। थैंक यू माय लॉर्ड। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, क्या कहानी सुनाई आपने, सुनकर मजा आ गया। अरे आप तो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, ये एक सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो इन्हें ये पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था, इससे इनकी मन्नत भी पूरी हो जाती और सामाजिक व्यवस्था को चोट भी नहीं पहुंचती। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर आदित्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मिस्टर आदित्य समाज विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये अपने अलावा किसी की नहीं सुनते, ये अपने खातिर समाज के किन्हीं भी नियमों को तोड़ सकते हैं, और अभी की ये घटना इसी बात की ओर इशारा करती है। माय लॉर्ड, ये इनकी कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ये बहुत कुछ कर चुके हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। और माय लॉर्ड, यही नहीं,
इन्होंने प्रेम विवाह किया, अपनी ही मर्जी से, अपने ही हिसाब से, अपनी पसंद की लड़की से, समाज के सारे वैवाहिक नियमों को तोड़कर। और इतना ही नहीं माय लॉर्ड, ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैं आपको बताने लगूं तो अदालत का वक्त जाया जाएगा। मेरा अदालत से यही अनुरोध है कि मिस्टर आदित्य पर रोक लगाई जाए। हेलो मिस्टर आदित्य, एम आई राइट? माय लॉर्ड, दैट्स ऑल। आपके समाज के कुछ गंदे नियम टूट ही जाएं तो बेहतर होता। काश ये शुभ घड़ी आ पाए। आपके समाज के नजर में प्रेम विवाह गलत है, और मेरे नजर में बिना प्रेम के विवाह गलत है। हम प्रेम से इस तरह डर गए हैं, इस तरह घबरा गए हैं कि हम एक लड़का और लड़की को नजदीक नहीं आने देना चाहते, जबकि कई मामलों में ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अपना पूरा जोर लगाए। माय लॉर्ड, कॉलेज और स्कूलों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है को एजुकेशन, और अंदर वही दूरी बनाए रखने की कोशिश जारी है। एक तरफ लड़कों का बेंच तो दूसरे तरफ लड़कियों का बेंच, और बीच में टीचर डंडा लिए ऐसे मोर्चा संभाले हुए हैं जैसे स्कूल कॉलेज नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये हमारा दुर्भाग्य है माय लॉर्ड। एक अनजान लड़की को चुनकर शादी करा दी जाती है और कहा जाता है कि ये है तुम्हारी प्राणेश्वरी अर्धांगिनी, करो इनकी पूजा, उतारो इनकी आरती, और अब करो प्रेम की शुरुआत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मानो प्रेम किया जाता हो माय लॉर्ड, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। और जो प्रेम किया जाता हो वो प्रेम नहीं, एक समझौता है। कुछ ऐसी ही कहानी लड़कियों के साथ भी दोहराई जाती है। माय लॉर्ड, मेरे सोचने के ढंग मेरे आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थे, इसलिए मैंने उनके पास रहना और जाना छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे नाराज हूं या मुझे समाज के नियमों को तोड़ने में मजा आता है। हां, एक गलती की है माय लॉर्ड, कि मैंने अपनी जिंदगी खुद से लिखने का फैसला किया। अब वो लिखावट टेढ़ी हो या मेढ़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि ये मन्नत बहुत पहले पूरी कर लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल बिल्कुल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे भी ये मन्नत ओनत की बातें पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब किस्मत का मृदंग बजता है माय लॉर्ड, तो ये अंधविश्वास के ऊपर लंबे चौड़े भाषण देने वाले लोगों के हाथ की अंगुलियों में अंगूठी और गले में ताबीज नजर आने लगता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, कुछ ऐसा ही मृदंग मेरे जिंदगी में बजा। देना। अरे यार क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ रे हाँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी नाराज रह रही हैं। हमेशा तो कुछ न कुछ उनको बोलते रहते हो। नहीं रेहान, वो बोलती है सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए। हाँ तो चला जाना, दिक्कत क्या है? चला जाऊं? हाँ चला जाऊं। हाँ तो ही चला जाना। हाँ तो मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो जा, चला जा। हाँ चला जाऊंगा, सुल्तानगंज से देवघर, वो भी बिना कपड़े के नंगे। अबे धत्त,
पागल हो गया क्या तू? बिना कपड़े का? अरे यार, बिना कपड़े के तू नंगे कैसे जा सकता है? क्या यार तुम भी? यही तो प्रॉब्लम है यार। कल हॉस्पिटल में मौसी मिली थी, वो तुम्हारे भाभी से बता रही थी कि आजकल अपने पास कोई केस भी नहीं है जिसकी वजह से बिजली बिल और राशन का बिल भी नहीं दे पा रहे, और इधर मकान मालिक ने रेंट के लिए भी परेशान किया है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो आदि। मुझे लगता है जब तक हम इस मन्नत को पूरा नहीं कर लेते हम बस इसी तरह परेशान रहेंगे। धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर करती चली गई कि जब तक ये मन्नत पूरी नहीं होगी तब तक हमारी दिक्कतें कम नहीं होगी, और वो बहुत परेशान सी रहने लगी। और इधर दिक्कतों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातें हम लोगों के बीच में जहर का काम कर रही थी। वो अपनी बात को लेकर जिद पे आ गई थी और मैं अपनी, और अचानक एक दिन जिंदगी ने अपना रंग दिखाया। सोनम, सोनम, अभी तक तुमने बटन नहीं लगाया। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है, पिछले कई दिनों से मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। सोनम, बैग देना। सोनम, पिछले कई दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि नहीं हो सकता, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कोई तो रास्ता होगा ना? कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या कोई नहीं कर सकता? क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? करना ही नहीं चाहते हो। पागल हो गई हो? क्यों नहीं करना चाहेंगे? खींच के देंगे एक लपड़ा, होश में आ जाओ। पागल औरत, समझ में नहीं आता है? ओ मेरे सनम
सनम, ओ मेरे सनम। रेहान, हाँ रेहान, अभी कहाँ है तू? तू 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 जल्दी आ जा यार, भाभी सर का एक्सीडेंट हो गया। कैसी है भाभी जान? होश में आने तक इंतजार कीजिए। नैनन में जब तीर पड़े दर्पण मंगवा दीजिए, और आपने अभी तक फीस भी नहीं सबमिट किया है तो उसे भी आप जल्द से जल्द सबमिट करा दीजिए। You're me.
और हाँ ये कुछ कुछ पैसे हैं, इन्हें रख, भाभी जान के इलाज के काम आएंगे। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे यार तू देख, अल्लाह मैंने चाहा तो पैसे तो बहुत आएंगे और आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है ले पैसा रख, भाभी जान के इलाज के काम आएंगे, समझा? चल रेहान। हाँ क्या किया, गाड़ी बेच दिया? अरे वैसे उस गाड़ी का क्या काम यार, तू बता ना। एक तो पेट्रोल इतना खाते थे, ऊपर से खटारा हो गई थी यार, उस दिन देखा था ना कैसे बंद हो गई थी बीच में, कितना स्टार्ट किया स्टार्ट ही नहीं हो रही थी यार, उस गाड़ी का क्या काम। अरे यार चुप कर, अरे चुप कर, सब ठीक होगा समझा, अल्लाह मियां ने चाहा तो सब खैरियत होगा, बिल्कुल परेशान मत हो समझा। आदित्य, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या खास कोशिश कर रहे हैं? पिछले 3 दिनों से मेरी बीबी बेहोश है और आप लोग कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। धैर्य रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेशेंट का सही इलाज नहीं हो रहा है तो तुम उसे कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे मौके पर धैर्य रखने की जरूरत है। पेशेंट से काम लो, भगवान को याद करो। तो क्या करें, किसी मंदिर मस्जिद में ले जाएं और इसको एडमिट कर दें और बोले कि हे भगवान आइए इसका इलाज करिए। पेशेंस पेशेंस रखो यार, झूठा सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं डॉक्टर बनने और कहते हैं भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, तो आप लोग किस काम के हैं? तो ये बंद करिए हॉस्पिटल, खोल दीजिए कोई मंदिर और मस्जिद। पिछले कई दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि नहीं हो सकता, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? कोई तो रास्ता होगा ना? कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या कोई नहीं कर सकता? क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? तुम भगवान नहीं चाहते हो? पागल हो गई हो? क्यों नहीं करना चाहेंगे, खींच के देंगे, एक लपड़ा होश में आ जाओ पागल औरत। कहीं तुम्हारी ये सारी समस्याएं उस मन्नत के ना पूरी होने की वजह से तो नहीं? आजकल की पीढ़ी हो, हंसी आएगी हो सकता है मेरी बातों पर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेशेंट का सही इलाज नहीं हो रहा है तो तुम उसे कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे मौके पर धैर्य रखने की जरूरत है। पेशेंट से काम लो, भगवान को याद करो। तीन दिन से मेरी बीबी बेहोश है, और डॉक्टर बोलता है भगवान मालिक है, भगवान। भगवान आज तुझे तो बहुत मजा आता होगा ये गुड्डा गुड़ियों के खेल खेलने में। खेलो,
खूब खेलो, तुम खेल सकते हो क्योंकि सत्ता तुम्हारे हाथ में है। तुम जिसे चाहो जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो। मुझे मेरी मां का चेहरा तक याद नहीं, बाप की अंगुली तक का आभास नहीं है, बचपन में सहारा देने वाला कोई नहीं था। उसके बाद मुझे मेरी सोना मिली, उसने मेरा हाथ थामा और आज तुम उसे भी छीन लेना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर तेरा यही जीद है मेरे और तुम्हारे बीच की शर्त पूरी हो तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, वो भी बिना कपड़े के नंगे। माय लॉर्ड, ये हमारे सजाए हुए कोर्ट के फैसले भले ही तर्क और सबूत पे चलते हो लेकिन हमारे जिंदगी के कोर्ट के फैसले तर्क और सबूतों के कहीं पार चले जाते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है मिस्टर आदित्य, कोर्ट किसी के इमोशन पर नहीं चलाई जा सकती। यहां तो सिक्के तर्क और सबूतों के चलते हैं। माय लॉर्ड, मैं मौका है वारदात पर मौजूद समाज सेविका भारती सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। नमस्ते। तो भारती जी, जहां पर यह घटना घटी वहां पर आप मौजूद थी? जी, जब यह घटना घटी मैं उस वक्त वहां मौजूद थी। ऐसा वहां क्या हुआ था कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा? जब मैं गंगा स्नान करके वहां से निकली तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहां पर आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। जब मैंने उस वजह को जानने की कोशिश की तो मुझे उस घटना के बारे में पता चला। लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, बताइए। लोग काफी क्रोधित और बहुत गुस्से में थे और बहुत लोग तो इनको पागल समझ रहे थे। वहाँ का माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि एक समाज सेविका होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे इस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। सो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो यहाँ आकर इस सिचुएशन को हैंडल करे और यहाँ के माहौल को सही करे। भारती जी, आप एक समाज सेविका हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि यह हरकत ठीक थी? जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत है और ये सभी दृष्टिकोण से गलत ही माना जाएगा क्योंकि उस वक्त वहाँ पर समाज के बहुत से लोग थे, बड़े बुजुर्ग बच्चे यहाँ तक कि स्त्री पुरुष सब इकट्ठे थे और परिवार के साथ थे। और अगर वैसे देखा जाए तो पब्लिक प्लेस पर इस तरह की कोई भी हरकत करना किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही गलत है। बात तो सही है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, अब आप जा सकती हैं। जी। माय लॉर्ड, अब मैं बुलाना चाहूंगा पंडित समाज के मुख्य व्यक्ति श्री 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 108 स्वामी शिवानंद जी महाराज को। इजाजत है। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। बाबा आप ये बताइए कि इन्हें निर्वस्त्र यात्रा करने की इजाजत मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें इजाजत देनी चाहिए। ये घोर अनर्थ होने की बात है, ये पाप हो रहा है, बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें हजारों लाखों की संख्या में इस यात्रा में शामिल होती है और वैसे में ये अगर निर्वस्त्र घूमेंगे तो हमारे हिंदू समाज का धर्म पतन हो जाएगा। ये लगभग 96 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं जिन्हें सैकड़ों गांव को पार करके जाना होता है।
ये बिल्कुल हर दृष्टिकोण से गलत है। माय लॉर्ड, इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। बाबा जी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। शिव शिव शिव। माय लॉर्ड, अब मैं बुलाना चाहूंगा शंभु शर्मा जी को, जिन्होंने मिस्टर आदित्य को यात्रा करने से रोका। इंस्पेक्टर साहब आइए। जय हिंद। हाँ तो शंभू जी। जी। आपने मिस्टर आदित्य को क्यों रोका? आपको क्या ठीक नहीं लगा? जी बिल्कुल, हमें वहाँ ऐसा कुछ ठीक नहीं लगा। वकील साहब क्या है ना कि हमारे ऊपर यात्रा की पूरी जिम्मेदारी होती है और हम पूरी व्यवस्था के साथ वहाँ पे खड़े रहते हैं कि जो भी हमारे कंवरियाँ हैं जो देवघर जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारे आदित्य जी ने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे कि ये इतना बड़ा बवाल करने वाले हैं। अगर हमें बताए होते तो हम इनके लिए कोई अलग व्यवस्था करते, कोई दूसरे उपाय ढूंढते। लेकिन जब हमें अचानक इस बात का पता चला तो हमें उन्हें रोकना पड़ा। क्योंकि क्या है ना वकील साहब, अगर हम उन्हें नहीं रोकते ना तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब आप ही बताइए, इतने बड़े भीड़ में इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं वहाँ पे और कोई नंगा पुंगा आदमी ऐसे दौड़ेगा तो हम उसका पैर थोड़े ना पड़ेंगे, रोकना तो पड़ेगा ही ना। और हमें डर भी था इस बात का कि वहाँ पे बवाल ना हो जाए, पब्लिक प्लेस है, कुछ भी हो सकता है। हमें जो सही लगा वो हमने किया। थैंक यू शंभू जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन के पास कोई सूचना नहीं थी। उनको इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी मगर मिस्टर आदित्य ने ऐसा नहीं किया। कारण सिर्फ इतना है कि मिस्टर आदित्य मन्नत वन्नत पूरी नहीं करना चाहते, इन्हें तो मीडिया कवरेज चाहिए था। बात तो सही कह रहे, नहीं तो इतना नाटक करते थोड़ी। ऑर्डर। इसीलिए इन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी। माय लॉर्ड गलत है। माय लॉर्ड, मेरी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि मैं इन सारी बातों को सोच सकूं। मिस्टर आदित्य, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना केस खुद नहीं लड़ रहे होते। मिस्टर जाकिर, मिस्टर आदित्य, आपने अपने फायदे के लिए, चंद पैसे और पब्लिसिटी पाने के लिए अपने धर्म की आड़ में ये गंदगी को फैलाने की कोशिश की है। मिस्टर जाकिर, बकवास बंद करिए। अगर आपको इतने ही पैसे और पब्लिसिटी की जरूरत थी तो खड़े हो जाते चौराहे पे कटोरा लेके और अपनी बीवी को भी खड़ा कर लेते। अभी आज लेने की जरूरत क्या थी? आखिर ये हो क्या रहा? मिस्टर आदित्य, ये अदालत है, कोई आपका घर नहीं, और कानून की अवमानना के जुर्म में आप पे कार्रवाई हो सकती है। और मिस्टर जाकिर, आप तो उनसे कई मामले में सीनियर हैं, आपको तो कानून की मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। मिस्टर जाकिर, आप पे ये शोभा नहीं देता, आगे से इस बात का ख्याल रखा जाए। अदालत आज की कार्रवाई को समाप्त करती है। नमस्ते सर, आप काफ़ी सीनियर हैं हमसे, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने आपसे। सर क्या सही है क्या गलत है, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं सर। सर एक सवाल पूछना था आपसे, ये काली कोट पहनते पहनते क्या हम इंसानियत को भी भूल चुके हैं सर? बस इतना ही पूछ लेता सर।
भगवान से भी छीन कर लौंग बता। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं बुलाने की इजाजत चाहूंगा मिसेस भारती जी को। इजाजत है। भारती जी। जी। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे दो बच्चे हैं। आपकी शादी हो गई है? मेरे दो बच्चे हैं तो शादी तो? जी, ये कोई जरूरी नहीं है, बिना शादी के भी बच्चे होते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज कंटिन्यू। मैंने पूछा आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। ओके, आपने कभी नंगे माय लॉर्ड, मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। मैंने पूछा क्या आपने कभी नंगे व्यक्ति को देखा है? जी देखा है। किसको? मैं शादीशुदा हूं। ओके, इसका मतलब आपने अपने पति को देखा है। जी। पति के अलावा और किसी को? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? इस सवाल का केस से क्या लेना देना है? लेना देना है माय लॉर्ड, लेना देना है इस केस से। यू मे प्रोसीड प्लीज। हाँ, तो मैंने पूछा कि आपने पति के अलावा किसी और को नंगे देखा है? वो कोई भी हो सकता है। जी देखा है, मेरे पिताजी को। जी सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने कहा कि मैंने उस सिचुएशन में किसी और को देखा है, पिताजी को। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, प्लीज कंटिन्यू। जैसा भी, ये कोई हंसने की बात नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो इस कंडीशन में ही नहीं थे कि उन्हें किसी चीज की समझ हो। उनकी दिमागी हालत इस तरह से खराब हो चुकी थी कि उन्हें अपना कोई भी काम करने की सुध-बुध ही नहीं थी। उनके सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे, उनके खाने पीने से लेकर उनकी हर चीज का ख्याल मुझे रखना पड़ता था। और किसी को याद करिए, कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है। जी मैंने अपने भाई को भी देखा है, मगर वो उस वक्त बहुत छोटा था। भारती जी, जिस नजर से आपने अपने पिताजी को देखा, क्या उसी नजर से आप अपने पति और भाई को भी देखती हैं? जी नहीं, ये दोनों ही बातें बहुत अलग हैं। हर व्यक्ति को देखने का नजरिया और उनके लिए उनकी भावना अलग होती है। पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड, उस नंगे व्यक्ति के ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है तो उसे देखने वाले लोगों के नजर के ऊपर कि वो किसको कैसे देखते हैं। एक सड़क पे नंगा व्यक्ति खड़ा है, कुछ लोगों को देखकर उनके मन में गरीबी बेबसी लाचारी नजर आती है, तो कुछ लोगों को देखकर उनके मन में अश्लीलता नजर आता है। हाँ तो भारती जी, मान लेते हैं कि एक औरत गर्भ से है और संयोग से वो पब्लिक प्लेस पे है, और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उसे उसी वक्त बच्चे को जन्म देना पड़े,
तो वो क्या करेगी? ऑफ कोर्स उसे बच्चों को जन्म देना चाहिए, लेकिन वो तो पब्लिक प्लेस है, कोई बच्चा पैदा करने की जगह तो नहीं है। उस वक्त देखा ये नहीं जाएगा कि जगह कौन सी है, उस वक्त जरूरी है उसके अपने बच्चे की जिंदगी, क्योंकि वो खुद मौत और जिंदगी के बीच में अटकी हुई है। तो उसे सिर्फ बच्चे को जन्म देने के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि समाज और दुनिया के बारे में। बिल्कुल सही माय लॉर्ड। कभी कभी इंसान इतना बेबस और लाचार हो जाता है कि उसके पास समाज के नियम और कानून तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। आप जा सकती हैं भारती जी। जी माय लॉर्ड, मैं बुलाने की इजाजत चाहूंगा श्री श्री 108 शिवानंद जी महाराज जी को। इजाजत है। शिव 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 शिव। अरे पापी। शिव 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 शिव। कैसे हैं बाबा? दूर हट के बात करो, दूर हट के बात करो। ओके ओके। तुम महापापी हो, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। पुण्य और पाप का ठेकेदार तो आप ही लोग हैं बाबा। तुम नरक में सड़ोगे, तुमने हिंदुत्व की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की है। आपका शिव शिव अगर हो गया हो तो मैं कुछ पूछूं? पूछो, लेकिन दूर से ही पूछो। तुम्हारे जैसे पापी के नजदीक जाना भी पाप है। बाबा एक बात बताइए, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और महान पर्व महाकुंभ स्नान होता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु स्नान करने आते हैं। क्या इससे हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है। इससे हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता बिल्कुल नष्ट नहीं होती। क्यों नष्ट नहीं होती है? क्योंकि वो साधु हैं, उनके पास लंबे लंबे दाढ़ी और लंबे लंबे बाल हैं, इसलिए। क्योंकि वो मोह माया से दूर हैं, यही उनका धर्म पथ है, नैतिक कर्म है। माय लॉर्ड, हर साल महाकुंभ में हजारों और लाखों की संख्या में नागा साधु जब स्नान करने जाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म की पवित्रता नष्ट नहीं होती, तो फिर मेरे अकेले जाने से कैसे हिंदू धर्म की पवित्रता? इसीलिए कि आप माया मोह में हैं। शिव 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 महाराज जी, एक सवाल और आपसे पूछना है। मान लेते हैं कि आप जिस कटघरे में खड़े हैं उसमें आग लग जाए। शिव शिव शुभ शुभ बोलो, भगवान ना करे ऐसा हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नहीं होगा, आप सुरक्षित हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप जिस कटघरे में खड़े हैं उसमें आग लग जाए और वो आग आपके कपड़ों को पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? अरे मूर्ख, तो मैं करूंगा क्या, कपड़े निकालकर फेंक दूंगा, और क्या करूंगा। कैसे फेंक सकते हैं आप? यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो आप। हाँ, महिलाएं हैं पुरुष हैं, उससे क्या मतलब है? पहले तो अपने को बचाना है। अपने को बचाना है तो आप पूरे समाज का बिना परवाह किए हुए कपड़े उतार कर फेंक देंगे तो इसे अश्लीलता नहीं फैलेगी और हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल ही नहीं फैलेगी। आग लगेगी तो कपड़ा उतार के फेंकूंगा ही ना। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, क्योंकि ये आग हम सबको दिखाई दे रही है, लेकिन एक व्यक्ति के मन की आग इससे भी बड़ी हो सकती है। वो आग की लपटें इतनी गहरी हो सकती है कि वो आदमी आत्महत्या तक कर ले, या समाज के नियम कानून को तोड़कर अपना जान बचाए। आप जा सकते हैं बाबा। माय लॉर्ड, जीवन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें तर्क के कसौटी पर रखकर नहीं कसा जा सकता। दुनिया में बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को, कोई किसी में विश्वास रखता है तो कोई किसी में आस्था, और यह भी हो सकता है अल्लाह को मानने वाले लोग राम और कृष्ण को ना माने, और राम कृष्ण को मानने वाले लोग अल्लाह को ना माने। लेकिन माय लॉर्ड, एक बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि जिंदगी और मौत है, जो हमारे सामने हर वक्त मुंह बाए खड़ी रहती है, और यह भी सब मानते हैं कि जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। तो माय लॉर्ड, मुझे भी उस परमात्मा के चौखट पे जाकर सर रखकर अपना फरियाद कहने का मौका दिया जाए। माय लॉर्ड, मैं आप सब के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज
इस बात को और नहीं घसटा जाए। प्लीज माय लॉर्ड, मैं कितना बदनसीब हूं कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और मैं यहां एक छोटी सी इजाजत की भीख मांग रहा हूं। आज यहां उसके सर पे होना चाहिए था, वो हां झूठे तर्क और सबूत ढूंढने में लगा है। माय लॉर्ड, मैं ये नहीं जानता कि इस मन्नत से मेरी वाइफ की जिंदगी में कुछ लेना देना है भी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता माय लॉर्ड, मैं उसे वापस पा सकूंगा या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता उसके आंखों की चमक, होठों की मुस्कुराहट मैं वापस ला पाऊंगा या नहीं। लेकिन माय लॉर्ड, मैं हर वो कोशिश कर लेना चाहता हूं जो मैं कर सकता हूं। अगर माय लॉर्ड मेरी मन्नत से इतना ही परेशानी है तो मैं ये जर्नी रात भी सुन सा सड़कों से दौड़ के पूरा कर लूंगा माय लॉर्ड। कोशिश करूंगा माय लॉर्ड कि कम से कम लोगों के बीच आ सकूं। प्लीज माय लॉर्ड, आपके जो भी शर्त होंगे सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन माय लॉर्ड, मुझे इजाजत दे दिया जाए सोना मेरी जिंदगी, उसके बिना मैं नहीं रह सकता माय लॉर्ड। प्लीज माय लॉर्ड, सोना मेरी जिंदगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता माय लॉर्ड। प्लीज माय लॉर्ड, मुझे ये जर्नी करने का मौका दिया जाए माय लॉर्ड। प्लीज मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य आप अपना ख्याल रखिए। मिस्टर आदित्य सोना मेरी जिंदगी है माय लॉर्ड, सोना मेरी जिंदगी है माय लॉर्ड, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। प्लीज माय लॉर्ड, प्लीज। 10 मिनट के अल्प विराम के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों के तमाम दलीलें और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत यह फैसला करती है कि मिस्टर आदित्य पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद है, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। साथ ही साथ उनकी धार्मिक भावनाओं एवं विशेष परिस्थिति को देखते हुए अदालत उन्हें यात्रा की अनुमति प्रदान करती है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी वाइफ जल्दी से अच्छी हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। अपना ख्याल रखना।
हो ना कभी न हमसे जुदा, हर पल यही मैं मांगू दुआ, आंखों में चाहत दिल में वफा, तेरे लिए रहेगी सदा, तू मेरी राधा मैं तेरा किशन, तू मेरी राधा मैं तेरा किशन, ओ मेरे सनम, 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 ओ मेरे सनम। तो बोल तो आदि, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ यार। तुझे पता नहीं कि रास्ते में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत कठिन रास्ता है, तुझे पता है, लोग जाते हैं तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। न जाने नदी नाले जंगल झाड़ क्या क्या पार करना पड़ता है, पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है। रहूंगा तो कब से कब तेरी मदद तो कर सकूंगा ना यार। वैसे भी यहां पे रह के हमेशा मेरे दिल और दिमाग में फिक्र लगी रहेगी कि तू कैसा है। मैं तेरा मदद कर सकूंगा यार। नहीं रेहान, मैं जानता हूं कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हो और किए भी हो, लेकिन इस समय तुम्हारे भाभी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ यार, भाभी जान को तो जरूरत है हमारी। पता है आदि, भाभी जान को कुछ नहीं होगा। अल्लाह मियाँ तो हमारे साथ है, तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगा कि सब खैरियत होगा और देखना तू तेरी यात्रा सफल होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी यात्रा जरूर सफल होती है। आ सकूं तेरे दर पे हिम्मत।
मिनट इतनी भर दो, आ सकूं तेरे दर पे हिम्मत इतनी की नगरी में सब पागल है, सब पागल है। अरे ये बाबा की नगरी है, यहाँ जोर से बोलो बोलबम बोलबम बोलबम, जोर से बोलो बोलबम बोलबम बोलबम। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। बोलबम बोलबम।
अरे बाबा की नगरी में आके रोता है, बड़ा बदकिस्मत है तू। अरे यहाँ तो नाचो गाओ। बोल, जोर से बोल, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बाबा नगरिया बड़ी दूर है, जाना जरूर है। बोल, बोल बम, बोल बम, बोल बम। उठ, हिम्मत कर, बाबा तुझे पुकार रहा है। उठ, उठ बेटा, उठ, हिम्मत कर। अगर अगर बाबा ने तुझे यहां तक बुलाया है तो वो तेरी मुरादें भी जरूर पूरी करेगा। उठ, उठ बेटा, उठ, चल, हिम्मत कर, बोल। होश आ गया है, आप चाहें तो मिल सकते हैं उनसे। अशहदु अन्न मुहम्मद करना।
मन्नत मत मांगना। कल की बत्ती हो गई गुल, सुन इडियट सुन ब्लडी फुल। कल की बत्ती हो गई गुल, सुन इडियट सुन ब्लडी फुल। वी नीड लाफिंग गैस रे पगले, कब भेजे में हो हुलचुल। अरे दुख को डंडे बंडे मार दे, दुख को डंडे बंडे मार दे। खुशी के झंडे बंडे गाड़ दे, खुशी के झंडे बंडे गाड़ दे। जो चादर ओढ़ के सोई है, चल उसके तकिए वकिए फाड़ दे। दुख को डंडे बंडे मार दे, खुशी के झंडे बंडे गाड़ दे। हंसी जो चादर ओढ़ के सोई, चल उसके तकिए वकिए फाड़ दे। आ कर ले कर ले कर ले अय्याशी थोड़ी सी, और अकल की बत्ती हो गई गुल। सुन डेट सुन ब्लडी फुल, दिन लाते कैसर बदले, तब भेजे मैं हो चुल। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, चिंता चौराहे पे रख दी क्यों माथे पे लादे। अरे होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, चिंता चौराहे पे रख दी क्यों माथे पे लादे। कल्शी में चल, फिकर को रख दे कल्शी में।
ऐनन में जब